मेरा ख्याल है काफ़ी खुशाइन बात है ये। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए हम लोग कराची में खेलते थे, अभी भी जाके खेलते हैं, और फिर कराची के साथ साथ लाहौर में भी अब एक ऐसा टूर्नामेंट हुआ है कि जिसको सारे लोग नेम करते हैं, और जो हमारे क्लब क्रिकेटर्स और जो अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं उन्होंने अपनी आँख रखी होती है कि रमज़ान आएगा तो हम टीवी वाले मैचेस खेलेंगे और उसमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। मगर आगे जाने के लिए नए प्लेयर्स के लिए और हम जैसों के लिए अब आगे क्रिकेट खेलने के लिए मेरे ख्याल है काफ़ी खुशाइन बात है। बिल्कुल, मैं खुद भी जब मेरा ऑफ होता है मैं यहाँ आके प्रैक्टिस करता हूँ। पिचेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और आप किसी भी तरह सेंटर पिचेस, टर्फ, सीमेंट, जिस तरह भी नॉकिंग करनी है, और कोचेस इतने ज़्यादा हैं कि आपको किसी भी बॉलिंग कोच चाहिए, बॉलिंग फील्डिंग कोच चाहिए, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत होती है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। और मेरा ख्याल है इस तरह के और सेंटर्स भी होने चाहिए, जिस तरह गनी ग्लास ने इनिशिएटिव लिया, मेरा ख्याल है ये गनी ग्लास का मैं शुक्रगुजार हूँ। और इस तरह के अगर और भी हमारे बाकी शहरों में भी इस तरह की लोकल लेवल पर फैसिलिटीज़ हों, PCB तो हमें फैसिलिटेट करता ही है सब प्लेयर्स को, पर यह जो फैसिलिटी है ये आपके लोकल प्लेयर्स, क्लब प्लेयर्स और जो आने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। क्राउड के लिए ये मैसेज है, जिस तरह लास्ट ईयर इन लोगों ने सपोर्ट किया, काफ़ी क्राउड आता रहा, क्रिकेट इंजॉय करते हैं, काफ़ी अच्छे मैचेस लास्ट ईयर भी हुए, इस साल भी हो रहे हैं, तो मैं सबको अर्ज करूंगा कि सब लोग आएँ टाइम निकाल के और मैचेस देखें, फैमिली के लिए यहाँ पे जगह है और बाकी सब लोग यहाँ पे आएँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और एक टाइम पे काफ़ी टफ सिचुएशन हो गई थी, पर मुझे ये था कि यहाँ पे जिस तरह की बाउंड्रीज़ हैं और अगर आप एंड तक खेलते रहते हैं, विकेट लूज़ नहीं करते, तो एंड पे 12-13 का रन रेट भी आप अचीव कर लेते हो। तो यही प्लान कर रहा था साथ में, जो और लोगों ने सईद मलिक ने आके साथ दिया या साथ ने जिस तरह की इनिंग दी, मेरा ख्याल है उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए।